टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत 1 जून से होने जा रही है। इस बार इस टूर्नामेंट में लगभग 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसके लिए लगभग सभी टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन एक ऐसी भी टीम है जिसे आईसीसी के नियमों से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आईसीसी ने सभी टीमों को 1 मई तक डेडलाइन दी थी कि इससे पहले सभी को अपना स्क्वाड अनाउंस करना है। वहीं 25 मई तक उसमें चेंज कर सकते थे और आज तारीख की बात करूं तो 15 मई हो चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम तक अनाउंस नहीं की है, जिसके बाद पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने पाकिस्तान पर भड़ास निकालते हुए कहा है कि पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी ट्रायल पर हैं। आइए जानते हैं रमीज राजा ने और क्या कुछ कहा। बता दें पाकिस्तान की टीम हाल ही में आयरलैंड से 3 मैच की टी20 सीरीज 2-1 से जीत कर आ रही है। अब उसे 22 मई से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज खेली है। ऐसे में अभी तक वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस न होने पर पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा भड़क गए और उन्होंने अपने YouTube चैनल पर बातचीत करते हुए पीसीबी की जमकर आलोचना की है और कहा, पाकिस्तान एकमात्र टीम है जिसने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम की घोषणा नहीं की है। 20 टीमों में से लगभग 19 टीमों ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान कहां फंस गया है, वो कॉम्बिनेशन नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी खिलाड़ी ट्रायल पर हैं। इसके आगे राजा ने कहा, कुछ गेंदबाज प्रेशर में दिख रहे हैं, हसन अली का प्रदर्शन खराब है, मोहम्मद आमिर का भी प्रदर्शन खराब है, अब्बास अफरीदी का रोल क्या है, वो सैम आयूब की तरह दिखते हैं, आपको वर्ल्ड कप टीम की घोषणा जल्दी करने की जरूरत है। वहीं रमीज राजा ने बाबर आजम की तारीफ करते हुए कहा, आयरलैंड के खिलाफ बाबर आजम का स्ट्राइक रेट शानदार रहा, इस पारी में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल खेला, यानी कि तीसरे मैच की वो बात कर रहे थे जो आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने खेला था, भले ही ये कमजोर बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आया, रन तो रन ही होते हैं, इसीलिए इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या सैम आयूब को तब तक खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि टीम को शुरुआत दिलाने में वो नाकाम रहे हैं। आपको बता दें आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा और टीम 2-1 से सीरीज जीत कर आ रही है, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बल्ले से रन भी देखने को मिले, जबकि शाहिनशाह अफरीदी ने विकेटें भी ली। लेकिन सवाल अब भी यही है कि पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप टीम का कब अनाउंसमेंट होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।